हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, यहाँ पे चल रहा है बिल्कुल बिहारी स्टाइल में फ़ोटोशूट हो रहा है इनका। ये देखिए, चश्मा लगा के और गमछी लेकर के, ये बिहार का ये फेमस स्टाइल है। गर्मियों में लोग ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे बुलबुल अपना फ़ोटोशूट करा रही है, प्रियल बैठा हुआ है। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और स्टेशन पर पहुँच चुके हैं हम लोग। ट्रेन आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। एक बैग लेकर के मैं आई थी और देखिए इतना सारा सामान मेरा हो चुका है, पता नहीं कैसे आएगा। ट्रेन दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब लेट होती जा रही है। अभी घर से हम लोग वैसे भी टाइम देख करके ही निकले हुए थे, लेकिन फिर भी अभी सीमान में ट्रेन आधे घंटे से कम रोकी हुई है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और धूप तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा वाली धूप है ना कि मतलब यहाँ बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। कितना तेज धूप लग रहा है ना, कैसे हम लोग एक घंटा भी वेट करेंगे। मैं ऐसे देख नहीं पा रही, मेरा आँखों खुल नहीं रहा, इतना तेज धूप है कि आपको इसमें दिख रहा है जी? हमको दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। ऐसे ऐसे कर रहे तो हमको अपना ही फेस वो दिख नहीं रहा है। तुम ये पे डांस कर रही है? मुझे वो वाला गाना बहुत याद आ रहा है। कौन सा? बुलेट पर जीता। रहने दो रहने दो, बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाएगा। जैसा सोचे था वैसा नहीं होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इंदिरा गांधी चल गई, राजीव बहुत बढ़िया। अरे खत्म, ये एकदम नया जो ये नया कंप्यूटर, अरे ये तो जो संचार क्रांति आई है, एकदम देश दुनिया जो है खत्म है। वो भी बेचारे चले, ऐसा नहीं है कोई जो आई बात पे। हाँ, ये रहे प्रधानमंत्री है, आरबीआई गवर्नर एक वही प्रधानमंत्री है, तो दोनों से कहा वो बेना। अरे मॉडल समाज में जो दिया, अभी लोग ना भेल जो बात चला, यही लोग भारत को क्या नव निर्माण भाई, ये भारत बुलू बहुत मार खाओगी। ये गाइस देख लीजिए, ये हमारे इस साल का मतलब पहला बारिश बनारस में। मैं नहीं जानती किसको बुखार हुआ ना, तो और मैं पीटूंगी। प्रियल जल्दी हटो यार, खांसी। अरे वो भी ज्यादा पानी नहीं हो रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन मौसम में बहुत बहुत। मोबाइल में रख करके अभी पीटू, डंडे लाऊं? क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। पौधे देखिए कितना खूबसूरत पौधे हो गए। अरे अब जाकर के आज मतलब थोड़ा सा राहत मिली है ना, तो गर्मी से लग रहा था ऐसे जैसे पागल हो जाएगा दिमाग पूरा। और अगर दो दिन बारिश नहीं होता ना, तो मुझे रांची जाना पड़ता। मुझे रांची जाना पड़ता। तो अभी जाकर के मौसम में थोड़ा सा राहत हुआ है, अभी बस हल्का हल्का बारिश हुआ है। ऐसा बारिश हुआ है कि पूरा मतलब फर्श भी नहीं भीग पा रहा है, बस बूंदा बूंदी थोड़ा सा पानी गिर रहा है, लेकिन इतना से ही बहुत बहुत ज़्यादा ही राहत मिल रहा है। इतनी भयंकर वाली गर्मी है यहाँ पे ना कि मतलब इतना पानी से ही मतलब लग रहा है कि जैसे कितना अच्छा लग रहा है, कितने दिनों बाद हमने पानी देखा है। और ये एलोवेरा ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और पतला पतला बिल्कुल इसको डाँड़ निकल आया था, तो मैं इस सारे डाँड़ को मैं छांट दे रही हूँ, ताकि एलोवेरा ना बड़े मोटे मोटे डाँड़ ही अच्छे लगते हैं और यूज भी हो पाते हैं। पतले डाँड़ों में से तो कुछ निकल ही नहीं पाता है, तो मैं बीच में का ये मोटा मोटा वाला छोड़ दूंगी और किनारे का जो भी जितना भी पतला है मैंने सारे सारे को ही छांट दिया, कि क्योंकि अब फिर से बढ़ेगा। बरसात में तो पौधे कुछ ज़्यादा ही बढ़ते हैं, पानी मिलता है तो ये बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसमें मोटा मोटा निकलेगा। और अभी ये लगा भी ना, पतला वाला सिर्फ नीचे नीचे ही लटक गए थे और वो ऊपर से उठ भी नहीं पा रहे थे, तो कोई लगा भी नहीं पाता है, इतने पतले में से कुछ निकलता ही नहीं है, तो मैंने इसको भी छांट दिया। और ये गुलाब की जो पंखुड़ी है, ये इसमें भी पत्ती कम हो गए थे धूप की वजह से। पानी तो हालांकि हम दोनों टाइम ही देते हैं, लेकिन कितना भी पानी दे, प्राकृतिक पानी के एक अलग ही बात होती है,
तो मैं इसको भी काट दे रही हूँ, और काट को मैं इसको इसी में ही मिट्टी में ही इसको मतलब लगा दूंगी ताकि ये फिर से पकड़ लेगा, इसके साथ रहेगा तो ये फिर से पकड़ लेगा। और अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे, घर पे आने के बाद मतलब थोड़ा सा राहत मिला आज, बहुत बहुत मन थोड़ा सा खुश है क्योंकि बारिश हुई हमारे। तो ब्लॉग में आप बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आगे आपको। दो, दो, उससे बढ़िया मेरे को दे दो। हाँ ठीक, चलो जाओ। हाँ ठीक है, चलो मेरे को दे दो। पूरा भर भर के क्रीम दे गया। ओरियो में कितना क्रीम होता बताओ। टी शर्ट खोल दो, ये पहनो। सो गाइस, अब हम लोग घर से आ गए हैं। पूरा दिन बस घर की साफ सफाई करने में हालत खराब हुई है, ऊपर से आज थोड़ा सा जा करके मौसम, हालांकि मौसम बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर सकते, लेकिन रिमझिम थोड़ा सा बारिश हुआ है, बादल पूरा लगा हुआ है, लेकिन गर्मी तो पहले से भी ज़्यादा पड़ गई है, उमस वाला गर्मी हो गई है। बारिश के बाद से जो होता है ना, पूरा बारिश हो जाता है तो दीवार एकदम ठंडा, पूरा दीवारों में से लग रहा है जैसे आग उबल रहा है, भाप निकल रहा है, उस टाइप के हो गए हैं। बहुत सारे कपड़े धुले थे, सारे कपड़े देखिए इधर उधर सब फैला करके रखे हुए हैं। बाहर मौसम ठीक नहीं है तो मैंने नहीं डाला कि फिर रात में परेशानी होगी, पता नहीं बारिश उरिश आ गया तो फिर और भी ज़्यादा भीग जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जल्दी से आप वॉच टाइम बढ़वा दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, हाथ कैसे जोड़े, हाथ तो खाली ही नहीं है समझ सकते हैं आप। सो गाइस, मैं यहाँ पे अब आलू और काबुली चना की मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं प्याज को पूरी तरह से भून ली हूँ और भून करके तब पीस करके तब मैं ग्रेवी बनाऊँगी, क्योंकि इस तरह से प्याज पीस करके ग्रेवी बनाने में ना मुझे बहुत कच्चापन का स्वाद आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और उबाल करके भी करती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मुझे यही आसान लगा है कि किचन में तो मतलब समझिए कि जितना कम से कम टाइम आप दे सके उतना ही अच्छा है। कम से कम टाइम में कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा खाना बन जाए, क्योंकि 5 मिनट भी यहाँ समय गंवाना, इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर कम से कम समय में ही हम अच्छा खाना बना करके जल्दी से, ऐसा रहता है कि फटाफट से मैं खाना बना करके बाहर निकल जाऊं ताकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिले। पंखे के नीचे आने पर थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है लेकिन फिर भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर चने और आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, लेकिन जो भी हो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी को भी गर्मी हो रही है, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम लोग को काम भी करना होता है, फिर ये वीडियो का भी काम करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह में ऐसा लगा था कि जैसे बहुत तेज़ बारिश आने वाली, बादल इतने घनाघोर वाले बादल लगे हुए थे लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ चले गए वो बादल, अभी भी लगे हुए हैं लेकिन उमस वाली पहले से भी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। तो मैं किसी भी तरह से फटाफट मैं खाना बना करके उसके बाद से मैं बाहर निकलूँगी। आप ब्लॉग में बने रहिए, फिर दिखाती हूँ आगे आप सभी को। और गर्मी से बहुत बेहाल है किचन में, यहाँ तक कि मतलब इतना नहीं हो पा रहा है कि मैं टोटल काम खुद कर सकूँ। मैंने आलू छीलने के लिए बुलबुल को पकड़ा दिया कि उधर बाहर हवा में बैठ करके थोड़ा छीले, मतलब शरीर से एकदम लग रहा है कि पानी निकल रहा है पूरा, इतनी बेहाल वाली गर्मी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी ना कुछ करूँगी, मैं वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करती हूँ क्योंकि हुलिया बहुत ख़राब है हमारा। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद तो ये वीडियो नहीं आएगा लेकिन फिर भी एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय।